जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज कैसे सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक सब कैसे खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अदा करें। तो जी आज हम अपने वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए आज आप लोगों ने देख तो लिया होगा हम क्या कर रहे हैं। हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, जो अभी क्रश क्रश कटिंग कर रहे हैं। इसको ऐसे छील के अच्छी तरह से उसके बाद उसको वॉश करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आ जाएगी कैसे बनाया है। घर का अपना अपना तरीका होता है, अपने अंदाज से बनाते हैं। हम तो बहुत सिंपल तरीके से बनाया है और कैसे बनाया है सारी वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। अभी तो उसको क्रश कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, इसको साफ़ कर रहे हैं, उसके बाद उसकी वॉश करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो पूरे देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी इसको क्रश कर रहे हैं अच्छी तरह से, उसके बाद फिर हम इसको वॉश करेंगे। ये देखिए वॉश करके इसको कद्दूकस कर दिया सारा, ये देखिए। और ये कद्दूकस करते हुए इनका हाथ भी कट चुका था, मेरे हस्बैंड का फर्स्ट टाइम ये कर रहे थे तो इनका हाथ भी कट चुका था। अभी यहाँ पे हम इसको फिर क्रश करके फिर हम इसको पकाएंगे। ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनाने में, कुछ जल्दी भी बन जाता है और कुछ लोग इसको ज़रा देर से बनाते हैं। हम तो ज़रा देर से बनता है, हम लोग कैसे बनाते हैं। मैं बनी तो काफ़ी देर से थी, लंबी थी वीडियो, लेकिन इसको शॉर्टकट में किया। तो आप प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। ये देखिए 2 kg करीब गाजरें थी जी, 2 kg करीब गाजरें थी। इसको क्रश करके इस तरह से, इस तरीके से मेरी अम्मी बनाती थी तो मैंने भी अपनी उसी तरीके से बनाई है। सब लोगों के घर में अलग-अलग से तरीके से बनती है, जिसका जो तरीका था वो उसी मेथड से बनाता है। ये सारी कद्दूकस कर ली है, यहाँ पर सारी कद्दूकस करके हम इसको चढ़ाएंगे ट्रक चूल्हे पे। ये देखिए मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई में डाल के इसको चढ़ा दिया ऊपर, और इसकी फ्लेम को मैंने कर दिया लो, क्योंकि ऑलरेडी ये लो है क्योंकि गैस नहीं आ रही हमारी, और ये बहुत देर से बना था तो गैस ना होने की वजह से इसको अच्छी तरह से मैंने भी स्विच के अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ गाजरी कढ़ाई में डाल के मैंने ऊपर चढ़ा दिए चूल्हे के ऊपर। तो ये पकती जाएंगी साथ साथ, तो इसका जो पानी होगा ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा 2 kg गाजर है उसके अंदर 1 kg मैं दूध ऐड कर दूंगी, जिसमें ये गल जाएंगी, पक जाएंगी अच्छी तरीके से। ये देखिए अब इसके अंदर से ये देखिए ये पकना शुरू होगी, जब इसके से धुआँ उठना शुरू होगा तो पकने बहुत अच्छा कलर आया था, आप लोग देखिएगा, पूरी वीडियो ही आप देखिएगा। तो ये अब इसके अंदर मैं ये थोड़ी सी देर इसका पानी जो है खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी मैं। तो जिसके बाद हम इसमें डाल देंगे दूध, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बस इसमें चम्मच लाते जाएं। अब इसके अंदर मैंने 1 kg दूध ऐड कर दिया था, और दूध ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से दूध, जब तक इसका दूध ड्राई नहीं हो तब तक मैं इसको पकाती रही हूँ, भूनती रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका था, गाजर अच्छी तरह से गल चुकी थी, तभी मज़ा आता है जब ये अच्छी तरह से गल जाए और इसमें कोई पानी या दूध वगैरह कुछ भी ना हो। अगर चाहे तो आप लोग इसमें दूध, कुछ लोग नहीं भी ऐड करते हैं दूध, लेकिन हम लोग ऐसे ही बनाते हैं दूध ऐड करके। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं, खुश्क दूध भी इसके अंदर डाल सकते हैं, क्रीम उसकी जगह को खोए की तरह। मैंने इस पर खोया ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने खुद ही, हम लोगों ने खुद ही खाना था, इसलिए तो फिर ऐसे ही बना दिए बगैर खुश्क दूध के। मैंने इसके अंदर ये दूध डाल दिया था, आप लोग चलो इसमें जो जो कुछ मर्जी ऐड कर सके। इसके अंदर सर्दियों में लोग वो भी डालते हैं, बॉयल एग भी डालते हैं, वो भी अच्छा लगता है। ये देखिए जैसे भुन चुका है, इसका दूध सारा ड्राई हो चुका है इसके अंदर। तो इस कंडीशन में जब वो थोड़ा सा भी है अभी, जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा इसका सारा दूध, हम इसके अंदर घी या ऑयल, ऑयल नहीं रहता तो घी है, उसमें अच्छा लगता है
घी डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि सारा इसका सारा खुश्क हो जाए, कोई इसके पानी की कंजेशन रुकी भी इसके अंदर नहीं हो, तो ये सारा ड्राई हो जाएगा। ऑयल पे डालूंगी इसके अंदर मैं, ऑयल घी, घी में तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाले थे जी, हाँ जी 3 से 4 चम्मच डालेंगे ताकि अच्छे से इसके अंदर भून जाए। ज़्यादा ऑयल चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। शुगर भी इसके अंदर मैंने बहुत कम रखी है क्योंकि ऑलरेडी ये पहले ही इसमें बहुत शुगर होती है, तो ज़्यादा शुगर डालने की ज़रूरत नहीं होती है, और मैंने तो अपने हिसाब से डाली है। आप लोगों को जितना मीठा पसंद हो आप लोग उसी हिसाब से डालिएगा। घी भी अगर ज़्यादा खाते हैं तो घी भी डाल लीजिएगा, देसी घी है तो और ज़्यादा बेस्ट है। ये मैंने 3 से 4 टेबल इसमें शुगर डालनी है, इसी यही बहुत कम था। 4 2 kg में मैंने 3 टेबल स्पून 4 लगा ले, 4 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाली ऐड की थी इसके अंदर शुगर, तो डाल के इसको और भून गया क्योंकि शुगर भी अपना पानी छोड़ती है। उसको मैंने ड्राई किया जल्दी जल्दी जी, यहाँ पे शुगर डाल के ऐड करके इसको मैंने थोड़ी देर ऐड किया और थोड़ी देर के इसको मैंने फिर ड्राई किया ताकि नीचे भी ना लग जाए। इसको साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे, नीचे नहीं जलेगा। हालांकि मेरा जल गया था तो बच्चे बच्चों सा लग गए थे, भूल गए थे कि मैंने ऊपर ऊपर मैंने इसके कुछ चढ़ाया हुआ। ये घी ऐड कर रही हूँ, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घी ऐड किया, तो जी ज़्यादा भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ ज़्यादा डालेंगे ज़्यादा हो जाएगा बस इतने में। 3 नहीं है, 2 2 ढाई, देखो 3 डाल दिए थे मैंने। 3 टेबल स्पून घी डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया, और ये भून जाएगा तो फिर आप लोग देखिए कि कैसे इतना अच्छा कलर आया इसके, इतना प्यारा मज़े का बना है। बस ये लास्ट स्टेज है इसके अंदर, तो अच्छे से इसको भून के इसमें जो मेवे आप लोगों ने डालने ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो आप डाल लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वही इसके अंदर डाल के इसको बस अच्छे से वो 5 मिनट और भुना, इसको भून के मैंने निकाल लिया था। तो जी ये देखिए भुन चुका है, मैंने इसमें सारे मेवे वगैरह डाल दिए हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो मैंने डाले थे, तो अब ये हो गया रेडी। उम्मीद करती हूँ कि आपकी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंजॉय किया आप लोगों ने, बहुत मज़े का यम्मी बना था, मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था, इतना मज़े का बना, ये ठंडा हो गया था। तो जी ठीक है, मिलते हैं किसी और अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़। अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, फिर वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। ओके बाय बाय।